हाय गाइस वेलकम। तो इंडियन रेलवेज की तरफ से एक अच्छे इनिशिएटिव की खबर है। खैर रेलवेज वैसे भी कई जगहों पे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, वो इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो, चाहे रेलवेज को और बेहतर बनाना हो, उसका स्टैंडर्ड ऊपर उठाना हो, बहुत कुछ है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इन सबके साथ साथ एक और चीज है हमारे लिए, वो ये कि हम लोग रेलवेज की ओवरऑल स्पीड बढ़ाएं। दुनिया के मुकाबले इंडिया में रेलवेज की स्पीड बहुत कम है। धीरे धीरे ही हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सिर्फ ट्रेन नहीं चाहिए। ट्रेन जिन पटरियों पे चलती है, जिस ट्रैक पे चलती है ना, वो भी तो चाहिए। किसी नॉर्मल ट्रैक पे हम लोग हाई स्पीड ट्रेन नहीं चला सकते हैं। पिछले साल इंडियन रेलवेज ने फोर्ज्ड व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, इसके लिए 1000 करोड़ का टेंडर फ्लोट किया था। और अब रेलवेज का अगला टारगेट यही है कि रेलवेज हाई स्पीड ट्रैक्स के लिए भी टेंडर फ्लोट करे जल्दी से जल्दी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा इसमें कि जो भी ये रेलवे ट्रैक्स बनाएगा वो इंडियन कंपनीज ही होंगी, यानी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही इसको बनाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बाहर से आके कोई बना सकता है, बाहर से इम्पोर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में गेम खेलना है ना, तो उसके लिए खुद को इस कैपेबल बनाना पड़ेगा कि हम खुद से वो चीजें मैन्युफैक्चर कर पाए। तो काम लगभग वैसे ही होगा जैसे सारे प्रोजेक्ट्स में होता है। सबसे पहले बिड्स इनवाइट करेंगे, देखेंगे कि सबसे कम बिडिंग कौन कर रहा है। पॉसिबिलिटी होगी पूरी पूरी कि इंडियन कंपनी को ही देंगे प्रोजेक्ट। ये काफी बड़ी चीज होगी क्योंकि भारत में हाई स्पीड रेलवे, सेमी हाई स्पीड ट्रेन और इसके साथ साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैक्स हैं जिनको अपग्रेड करना है, ये आगे आने वाले सालों में सब किया जाएगा। और अगर ये चीजें मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी हम पे आ गई तो सारा काम आराम से घर में ही हो जाएगा। इसके साथ साथ व्हील्स मैन्युफैक्चरिंग पे भी इंडियन रेलवेज प्रॉपरली खेल रही है। कुछ एक नया आई थिंक ये लोग प्लांट भी सेटअप कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सके। और इवन अश्विनी वैष्णव जी ने आई थिंक ये भी बोला है कि कुछ समय के बाद में इंडिया इज कैपेबल होगा कि अपनी नीड्स को पूरा करने के साथ साथ हम लोग यूरोप को भी व्हील्स एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अब देखना ये है कि किस हिसाब से ये सारी चीजें एग्जीक्यूट की जाती हैं। अच्छा लगता है ये देख के कि इंडियन रेलवेज काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है इन सब चीजों में। बाकी वीडियो में इस वक्त के लिए मेरी तरफ से यही अपडेट था। आप बताइएगा जो भी आपके थॉट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में। फिर मिलूंगा नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद।